एवरीवन, माय नेम इज रिमी। वेलकम टू जॉय ऑफ फ्रेम्स। तो गाइस, दिवाली आ रही है और घर की सफाई करने में आप लोग को प्रॉब्लम तो ज़रूर हो रही होगी। तो मैं आपके लिए एक सॉल्यूशन लेकर आई हूँ अर्बन कंपनी का, जो कि मैंने अभी रिसेंटली ट्राई किया हुआ है और बहुत अच्छी इनकी सर्विसेज है। तो इनकी सर्विसेज मैंने जो ली है वो मैंने सोफ़ा क्लीनिंग मैंने कराई हुई थी बैंगलोर में अपने घर पर। तो वहाँ पर जो है सोफ़ा जो है मेरी डॉटर ने बहुत ही ज़्यादा गंदा कर दिया था, उसमें स्केच कलर और क्या क्या सारी चीज़ें उसमें लगा दी थी, तो बहुत ही ज़्यादा जो है गंदा हो गया था। तो हमारे घर में वैक्यूम क्लीनर है, तो हमने सोचा कि वैक्यूम क्लीनर के थ्रू एक बार साफ करके देखते हैं। मगर सारी कोशिशें हम लोग ने कर डाली, मगर हमारा जो है सोफ़ा साफ़ नहीं हुआ, बल्कि जो है जब पानी वगैरह उस पर पड़ा तो उस पर बड़े बड़े स्पॉट पड़ गए, बल्कि सोफ़ा हमारा जो है और भी ज़्यादा ख़राब हो गया, क्योंकि हमारा लाइट कलर का सोफ़ा था तो हमें तो क्लीन कराना ज़रूरी था। तो फिर मैंने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली वालों से सुना कि अर्बन कंपनी के बारे में और अच्छी इनकी सर्विसेज है और कोरोना के बाद जो है इतना सेफ है कि नहीं। तो मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि मतलब घर पे बुला के सारी चीज़ें करवाना ठीक रहेगा कि नहीं। तो मैंने अर्बन कंपनी की सर्विसेज ली और सोफ़ा जो है अपना क्लीन करवाया और बहुत ही अच्छे तरीके से सोफ़ा साफ़ हो गया। तो मैंने सोचा कि एक बार इनको बुला करके देखते हैं कि ये क्या क्या प्रोसीजर जो है फॉलो करते हैं, उसके थ्रू जो है मैं नेक्स्ट ईयर जो है मैं खुद ही कर लिया करूँगी। मगर इनका जो पूरा ट्रिक्स था वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था, आप वीडियो में जो है आप देखिएगा मेरे आगे। मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि अर्बन कंपनी को आपको कैसे बुक करनी है, क्या प्राइजेस है, और भी चीज़ आपको क्लीन करानी है जैसे कर्टेंस वगैरह हो गया, पूरी घर की आपको क्लीनिंग करानी है तो उसके क्या प्राइजेस होंगे, तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको जो है इस वीडियो के थ्रू आपको बताऊँगी, और इनको बुक कैसे करना है वो भी मैं बताऊँगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, अर्बन कंपनी की सर्विस लेने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाके अर्बन कंपनी को डाउनलोड करना होगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे अर्बन कंपनी फॉर्मली अर्बन क्लैब, तो ये पहले अर्बन क्लैब के नाम से जानी जाती थी, अब ये इसका नाम चेंज होकर अर्बन कंपनी रख दिया गया है। तो गाइज़, यहाँ पे आपको दो टाइप की सर्विसेज मिल जाएंगी, पर्सनल सर्विसेज और होम सर्विसेज। तो पर्सनल सर्विस में आपको सैलून फॉर वुमेन मिल जाएगा, हेयर फॉर वुमेन, स्पा मिल जाएगा आपको, और मेंस के लिए भी ऑप्शन है सैलून का, मसाज का। और होम सर्विसेज में आपको जो है होम पेंटिंग और क्लीनिंग और कुछ भी आपका ख़राब है, रिपेयर कराना है आपको, तो वो सारी चीज़ें भी आप करवा सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारी कैटेगरीज़ में ये डिवाइड करके रखे हैं, तो मैं आपको धीरे धीरे करके वन बाय वन करके एक एक चीज़ आपको दिखाती हूँ। अगर गाइस आप लोग को क्लीनिंग करानी है तो क्लीनिंग में भी यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सारी कैटेगरीज़ आपको मिल जाते हैं, जैसे बाथरूम एंड किचन क्लीनिंग कराना है फिर या तो फुल होम क्लीनिंग कराना है, सोफ़ा एंड कारपेट क्लीनिंग कराना है, डिसइंफेक्शन सर्विसेज लेनी है या फिर पेस्ट कंट्रोल करवाना है। तो जो भी चीज़ आपको करवाना है उस पर आप क्लिक करके ओपन करके देख सकते हैं कि इनकी क्या प्राइजेस है। तो मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा देती हूँ। तो गाइस, सबसे पहले मैं बाथरूम क्लीनिंग पे क्लिक करके दिखाती हूँ आपको। तो जो बाथरूम क्लीनिंग है वो थ्री टाइप है इनके क्लीनिंग करने के। तो पहला है क्लासिक डीप क्लीनिंग, तो क्लासिक डीप क्लीनिंग 399 रुपीज़ का है। इसमें कितना मिनट लगेगा, 50 मिनट्स लग जाएगा, और क्या क्या चीज़ें कैसे क्लीन करेंगे वो सारी चीज़ें डिटेल में आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। फिर है नेक्स्ट इनका इंटेंस डीप क्लीनिंग है, वो 499 रुपीज़ का है। थर्ड है मूव इन क्लीनिंग, तो ये है 549 रुपीज़ का है। तो कितना टाइम लगने वाला है और ये क्या क्या चीज़ कैसे क्लीन करेंगे वो सारी चीज़ें भी मेंशन है। इसी तरह आप किचन क्लीनिंग के लिए भी देख सकते हैं, सारी चीज़ें जो है डिटेल में मेंशन है विद प्राइस। तो आपको जिस टाइप की क्लीनिंग करानी है आप उस हिसाब से कैटेगरी चूज़ करके आप सर्विस ले सकते हैं। तो अब मैं सोफ़ा क्लीनिंग वाले पार्ट में आ जाती हूँ जो मैंने करवाया था। तो सोफ़ा क्लीनिंग पे सबसे पहले क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे 499 रुपीज़ दिया गया है। ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 3 सोफ़ा सीट दिया हुआ है, उसके प्राइस दिए हैं 4 सोफ़ा सीट, 5 सोफ़ा सीट और प्लस कुशन जो भी है उस हिसाब से आप ऐड कर देंगे। मेरा 6 सोफ़ा सीट था तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया और 799 रुपीज़ हमारा ऐड हो गया। यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे होंगे 5 सोफ़ा सीट के साथ 5 कुशन का ऑप्शन दिया है। अगर आपका 5 सोफ़ा सीट है तो ही आप 5 कुशन
वाला ऑप्शन आप चूज़ करके आप इसे ले लेते हैं तो फिर आपका प्राइस थोड़ा कम पड़ेगा, मगर मेरा 6 सोफ़ा सेट था और मेरे 6 कुशन्स थे, इसलिए मुझे जो है कुशन साफ़ करवाने के लिए मिनी सर्विसेज में जाना पड़ा। तो मिनी सर्विसेज में यहाँ आप देखेंगे कुशन क्लीनिंग के लिए सेट ऑफ 5 है, तो 5 कुशन यहाँ पे इंक्लूड करेंगे तो 149 रुपीज़ जो पड़ेगा। तो मेरे 6 कुशन थे, तो फिर घर आके उन्होंने एक्स्ट्रा एक कुशन का प्राइस ले लिया, तो पूरा मिला के जो मेरा प्राइस पड़ा था वो 1000 रुपीज़ मेरा लग गया था। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ब्लू कलर की लाइन में ऊपर लिखा हुआ है क्लिक टू सेव 100 रुपीज़ ऑन फाइनल बिल। इसको क्लिक करेंगे तो आपको बोलेगा अर्बन कंपनी का मेंबरशिप लेने के लिए। तो जो मेंबरशिप का जो प्राइस है यहाँ पे 12 मंथ्स का जो है 299 रुपीज़ है, और 6 मंथ का अगर आप लेते हैं तो 249 रुपीज़ है। अगर मेंबरशिप आप बनेंगे तो 100 रुपीज़ आपका ऑफ कर देंगे ये, वरना आपका जितना प्राइस है उतना फुल अमाउंट आपका लगेगा। तो गाइस अब देखते हैं मेरे घर पे इन्होंने सोफ़ा क्लीनिंग किस तरीके से किया था। तो गाइस अर्बन कंपनी वाले हमारे घर आ गए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना सेफ्टी प्रिकॉशन ले करके आए हुए हैं इस कोविड के सिचुएशन में। तो पूरा फेस शील्ड वगैरह लगाया हुआ था और सैनिटाइज वगैरह करके ही घर के अंदर एंट्री लिया। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरा सोफ़ा कितना ज़्यादा गंदा है। यहाँ पे मेरी डॉटर ने जो है पानी गिरा दिया था, तो पूरे वाटर के स्टेन्स सोफे में हैं। ये स्टेन कुछ नहीं है, यहाँ पे तो मेरी डॉटर ने कलर शायद लगाया वो हुआ कलर है। लगाया थे हाँ, शायद। और यहाँ पे ना सारा ये पानी से बहुत खेलती है, तो ये यहाँ टेबल पे खेलने की जगह यहाँ पे गिरा दी गया है। और ये वाला तो हम लोग ने एक बार जो है ट्राई करने की कोशिश की थी, थोड़ा सा वो रिन साबुन वगैरह लगा के, तो ये वाला और भी ज़्यादा ख़राब हो गया। फिर हम लोग को लगा कि वो हाथ से नहीं होगा हम लोग से, तो ब्रश वगैरह की हेल्प से इसे करने की कोशिश की थी। तो गाइस अर्बन कंपनी वाले जो है कार्चर का प्रोफेशनल वैक्यूम क्लीनर लेकर के आए थे। ये वैक्यूम क्लीनर तो हमारे पास भी है, और अगर इसका आप लोग ने रिव्यू हमारे चैनल पे नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर चेक करिएगा। अगर आप लोग एक अच्छा वैक्यूम क्लीनर देख रहे होंगे तो ये जो है मार्केट में वन ऑफ द बेस्ट वैक्यूम क्लीनर है। और मेरे को ये तो पता था कि मेरे वैक्यूम क्लीनर से सोफ़ा तो साफ़ हो जाएगा, मगर सोफ़ा कैसे साफ़ करना है ये मुझे कोई आइडिया नहीं था। इसलिए मुझे लगा कि अर्बन कंपनी की सर्विस को ज़रूर ट्राई करना चाहिए, मैं काफ़ी चीज़ें उनसे सीख सकूंगी। अगर मुझे पता चल जाएगा उनके ट्रिक्स तो मैं उस चीज़ को फॉलो करके अब नेक्स्ट टाइम अपने सोफ़ा को साफ़ कर सकूंगी। सबसे पहले इन्होंने ड्राई वैक्यूमिंग किया, ड्राई वैक्यूमिंग से सारा जितना भी डस्ट वगैरह था वो पूरा चला गया। फिर उसके बाद इनका प्रोसेस था कि इनको शैम्पूइंग करना है, तो सारा सब जगह शैम्पू इन्होंने लगा दिया, और फिर जहाँ जहाँ स्टेन्स थे वहाँ पे ब्रश से, जो नॉर्मल ब्रश आता है उससे साफ़ किया। शैम्पू के लिए मैंने इनसे पूछा कि आप कौन सा शैम्पू कर रहे हैं मुझे बता दीजिए, तो इन्होंने बोला कि जो शैम्पू ये लेकर आए हैं वो अर्बन कंपनी के तरफ से ही मिलता है ये शैम्पू, तो 3-4 चीज़ों को मिक्स करके ये शैम्पू बना के देते हैं और फिर ये साफ़ करते हैं। तो मैंने जो है उस शैम्पू को स्मेल किया, तो वो शैम्पू सेम सर्फ एक्सल जैसा होता है ना, उसमें अगर वैनिश मिला दीजिए तो जैसा स्मेल करता है वो सेम उसी तरह ही स्मेल कर रहा था। तो इस शैम्पू को बनाने का बस मैं प्रोसीजर मैंने थोड़ा सा देखा कि इन्होंने एक मग में पानी मांगा मुझसे, और उसी पानी में इनका जो शैम्पू था लिक्विड शैम्पू उसे मिक्स कर दिया। उसे मिक्स करने के बाद फिर इन्होंने सोफ़े पे उसे लगा दिया, और सोफ़े पे लगाने के बाद फिर इसे ब्रश से रगड़ा। उसके बाद में इनका नेक्स्ट प्रोसेस था वेट वैक्यूमिंग का, फिर वेट वैक्यूमिंग इन्होंने कर दिया, और वेट वैक्यूमिंग करने के बाद जितना भी पानी था उसमें से सक कर लिया, और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा सोफ़ा साफ़ हो गया। और मतलब विद इन 40 मिनट्स में मेरा सोफ़ा साफ़ हो गया। मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सेम प्रोसीजर से, ऐसा लग रहा था मैं भी कर रही थी, मगर सेम प्रोसीजर वो नहीं था। मैं रिन साबुन डायरेक्ट जो है सोफ़े पे लगा रही थी, इसलिए उसमें बड़े बड़े स्टेन्स आ गए थे। अगर मेरे को लगता है कि लिक्विड शैम्पू अगर आप यूज़ करेंगे तो शायद आपका सोफ़ा साफ़ हो सकता है, तो एक बार आप
अगर आपको अर्बन कंपनी वालों को नहीं बुलाना है, पैसे नहीं खर्च करने हैं, तो एक बार घर पे आप इस तरीके से लिक्विड आप शैम्पू इस बना सकते हैं, एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो अगर नहीं होता है तो उसके बाद आप अर्बन कंपनी वालों को बुला करके आप साफ करवा सकते हैं अपना सोफ़ा। तो गाइस कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अभी तक आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ अपने दूसरे वीडियो में। टिल देन ओके बाय बाय।